जैसे हटाया गया था तो क्या क्या उसमें क्या हुए थे, बदलाव हुए थे। ठीक है, अब हम सीआरपीसी की एक इंपॉर्टेंट धारा के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको कभी भी आपके ऊपर हुई एफआईआर से क्या होगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, उससे ये बचाएगी आपको। ठीक है, कि आप जेल ना जाएं, तो इसमें धारा जो सीआरपीसी की 438 धारा है, उसमें एक प्रावधान है। क्या प्रावधान है कि यदि आपके ऊपर एफआईआर हुई है, क्या हुई बेटा, एफआईआर अगर हुई है तो पुलिस आपको ढूंढेगी और जहां भी मिल जाओगे आप, आपको अरेस्ट करेगी और जेल में डालेगी, और जेल में तब तक रखेगी जब तक क्या करेगी, आपसे इंक्वायरी करेगी वो केस के बारे में। ठीक है, इससे बचने के लिए क्या करना होता है, जैसे ही आपको पता चल जाए, भाई पता चली जाता है कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, तो आपको कुछ नहीं करना है, भागना फिरना नहीं है, आपको दो गवाह लेने हैं और तुरंत पहुंच जाना है जज के पास। जब आप जज के पास पहुंच जाओगे तो वहां आप ये बताओ कि मैं सर बेकसूर हूं, मेरे डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और मैं दो गवाह लेके आया हूं और मैं सही हूं इसलिए मैं आपके पास आया हूं। ठीक है, तो मुझे धारा 438 यानी सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एंटी सेपरेटिव बेल चाहिए जो आप मुझे दे। तो क्या करेगा, जज दे देगा, डॉक्यूमेंट लेंगे, सब कुछ लेंगे और वहां से एंटी सेपरेटिव यानी अग्रिम जमानत क्या होगी, मिल जाएगी। अब क्या होगा, जब आपके पास जमानत होगी, एंटी सेपरेटरी बेल होगी, तब आपको अगर पुलिस पकड़ेगी तो आपको केवल वो क्या करेगी, थाने तक ले जाएगी, आपसे इंक्वायरी करेगी। ठीक है, उसके बाद आपको छोड़ देगी, आपको जेल में नहीं डाल सकती है वो, 4 दिन आपको बुलाएगी, आप जाओगे, आपसे इंक्वायरी करेगी, आप अपने घर आ जाओगे। ठीक है, तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। 438 सीआरपीसी की धारा, आपको ये थोड़ी बहुत जानकारी होना आवश्यक है। अगर आपने कोई भी गलत काम नहीं किया है तो आपको अग्रिम जमानत यानी एंटी सेपरेटरी बेल मिल सकती है और मिलेगी, आपको जेल में जाना नहीं।